खरगोन एसडीएम ओम नारायण सिंह मंगलवार को अचानक आयुष अस्पताल की नब्ज दटोलने पहुंच गए। यहां 8:30 बजे तक अस्पताल प्रवेश द्वार पर ताला लटका रहा। इसके बाद एक एक कर चिकित्सक और स्टाफ पहुंचने लगा। इस पर एसडीएम ने नाराजगी जताई है। पंचनामे की कार्यवाही भी की गई। डॉक्टरों की नदारदगी देखकर कहा कि ड्यूटी के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं हो। एसडीएम ने योग करने पहुंचे लोगों से भी चर्चा की। अस्पताल में व्यवस्था का फीडबैक लिया। निरीक्षण में रजिस्टर संधारण अव्यवस्थित मिला। दवाई के रिकॉर्ड में भी लापरवाही मिली। एसडीएम ने डॉक्टर संतोष मौर्य सहित अन्य चिकित्सकों से अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं एवं दवाइयों के स्टॉक आदि की जानकारी ली। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि जन सेवा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय पर लोगों को सेवा मिलते रहे, तो इसके संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैं सुबह 8 बजे जो चिकित्सालय का समय उस समय 8:05 पर पहुंचा था। हाँ, जब वहाँ मैं गया तो एक महिला वहाँ झाड़ू लगाती हुई मिली। पूरा अंधेरा था और करीब 8:30 बजे तक वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। करीब वहाँ 11 लोगों का स्टाफ था, मैं 4-5 चिकित्सकों के टेक्नीशियनों के। क्या उनका तुरंत विधि अनुसार माननीय कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इसके संबंध में विधिवत अभी नोटशीट में प्रकरण बना के और कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।